गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू सो टुडे वी विल रीड अबाउट सेंटेंसेस जैसा कि पहले मैंने आप लोगों को कुछ वीडियोस भेजे हुए हैं जिसमें कि सेंटेंसेस के टाइप हैं सब्जेक्ट प्रेडिकेट हैं तो इस चैप्टर की जो कुछ एक्सरसाइज हैं उसी पर बेस्ड है वो मैंने आपको होमवर्क दिया था तो आई थिंक आप सब लोगों ने होमवर्क कर लिया होगा और आपको समझ में आ गया होगा सो so, अब आप क्या करोगे कि ये होमवर्क आज मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी इसके आंसर्स आप लोग अपना रीचेक कर लेना नाउ सी नेक्स्ट पार्ट अब इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस मतलब किसी भी सेंटेंस को हम कैसे चेंज करते हैं ट्रांसफॉर्म करते हैं मतलब चेंज करते हैं अब चेंज क्या करना है मतलब सेंटेंस मतलब के एक टाइप को दूसरे टाइप में लाइक like, एफर्मेटिव सेंटेंसेस को एसर्टिव सेंटेंसेस और एफर्मेटिव सेंटेंसेस एक ही होता है सो एसर्टिव सेंटेंसेस को हम किस में चेंज करेंगे इंट्रोगेटिव में और इन नेगेटिव हम कई तरीके से कर सकते हैं ठीक है थीके? अब यहाँ पे आपको क्या करना है यू हैव टू चेंज इट इंटू नेगेटिव सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हम चेंज कैसे करेंगे क्योंकि पहले तो वो एसर्टिव था कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा था अब हमें इसको क्वेश्चन में बनाना है कि ये कैसे क्वेश्चन पूछेगा ना ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हम टू टाइप से बनाते हैं द फर्स्ट वन इज़ विद द क्वेश्चन वर्ड पहले तो किससे बनाते हैं क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन वर्ड आप सबको पता होंगे आपको पहले पढ़ाया भी जा चुका है वर्ड वेयर वेच न ये सारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं इससे बनते हैं अब सेकेंड टाइप क्या है सेकेंड टाइप है विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब्स के थ्रू हम क्वेश्चन को बना सकते हैं ठीक है आपको हेल्पिंग वर्ब्स भी पहले बताई जा चुकी हैं इज एम आर वॉज वर हैज़ हैव है Is, am, are, was, were, has, have, had, ये सारी क्या है हेल्पिंग वर्ब्स हैं इसके थ्रू भी हम क्वेश्चन बनाते हैं लाइक like, सी वॉट इज रिटेन यर इसका एक पैटर्न होता है वो देखिए दैट दैट बैग इज़ माइंड वो बैग मेरा है मतलब वो जो बैग है वो मुझसे बिलोंग करता है तो अब मुझे इसको क्या करना होगा इसको क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसी सेंटेंस में वी हैव टू सर्च द हेल्पिंग वर्ब हमें क्या करना होगा हमें इसमें से हेल्पिंग वर्ब ढूंढनी पड़ेगी तो सो व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब इन दिस सेंटेंस इज ओके सो जस्ट पुट द इज़ एट द फर्स्ट तो आप क्या करोगे इसको सबसे फर्स्ट में लिख दो ठीक है और स्टार्टिंग आपकी कैपिटल लेटर से होती है तो इज में आई विल बी कैपिटल ठीक है तो इज आफ्टर दैट जस्ट री राइट द सेंटेंस एज इट इज़ उसके बाद जो भी सेंटेंस है आपका उसको वैसे का वैसा लिख दो बस इसको आपने पहले कर दिया लाइक डैट इज माइ डेट बैग इज माइंड एंड वॉट इज़ द इंट्रोगेटिव ऑफ़ दिस सेंटेंस इज़ डैट बैग माइंड क्या ये बैग मेरा है ठीक है श्वेत नॉ द सेकेंड सेंटेंस इज सेंटेंस श्वेता वॉज इ लास्ट नाइट जो श्वेता है वो ला मतलब पिछली रात को बीमार थी अब इसे क्वेश्चन कैसे पुट अप करेंगे फर्स्टली वी हैव टू सर्च वॉट हेल्पिंग वर्ब सो वॉट इज हेल्पिंग वर्ब इन सेंटेंस? वॉज वॉज इट हेल्पिंग वर्ब सो वी विल पुट द वाज़ फर्स्ट देन रीराइट सेंटेंस एज इट इज वॉज श्वेता ए लास्ट नाइट इट इज ईजी ना बहुत आसान है सिर्फ आपको हेल्पिंग uh, वर्ब सर्च करके फर्स्टली लिखनी है उसके बाद सारा का सारा उतार देना है एंड द मेन पॉइंट इज यू हैव टू पुट क्वेश्चन मार्क एट द लास्ट ठीक है एसर्टिव में हम फुल स्टॉप लगाते हैं इंट्रोगेटिव में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं सो डोंट मिस द क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क अगर आप मिस कर दोगे सो इट विल बी नॉट कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं कहलाएगा ठीक है सी नाउ द अदर हेल्पिंग वर्ब्स Now look at these pairs of sentences. Shivam has arrived. So what were the interrogative? Has Shivam arrived? Good. The girls are dancing. Are the girls dancing? Okay, so much area? In these sentences, we have a helping verb. एंड द मेन वर्ब इन सब में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब भी थी और मेन वर्ब भी थी मेन वर्ब क्या होती है जो हमें बताता है कि सब्जेक्ट कौन सा काम कर रहा है ठीक है वाई चेंजिंग सच स्टेटमेंट टू क्वेश्चन द सब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द हेल्पिंग वर्ब एंड द मेन वर्ब ठीक है अब हमें के, अब आप उसको ध्यान से सेंटेंसेस को देखो तो कैसे फॉर्म होता है हेल्पिंग वर्ब ठीक है क्या होता है helping verb, helping verb plus subject plus main verb. ऐसा ही आपको सारे सेंटेंसेस में दिखेगा लाइक शिवम हैज अराइव्ड सो व्हाट विल बी इंट्रोगेटिव हैज इज हेल्पिंग वर्ब नाउ शिवम शिवम इज सब्जेक्ट एंड द मेन वर्ब अराइव्ड अराइव्ड इज़ अन वर्ब सो आपका सिक्वेंस यही होगा जब भी आप हेल्पिंग uh, वर्ब से क्वेश्चन फॉर्म करोगे ठीक है वॉट विल बी द फॉर्म हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब ठीक है ना हो तो ये आप अपने बुक के ऊपर में आप इसी पेज के ऊपर लिख लेना इसको ठीक है और इसको सर्कल कर लेना रीड दीज पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस टू सी हाउ स्टेटमेंट्स इन द सिंपल प्रेजेंट आर चेंज इन टू क्वेश्चन अब आपके पास ऐसे कई सेंटेंसेस आते होंगे जिनमें हेल्पिंग वर्ब होती ही नहीं है लाइक ही गोज टू द मार्केट ही वेंट टू द मार्केट अब इसमें हम क्या करेंगे हमें बनाना तो हेल्पिंग वर्ब से ही है नो वॉट वी विल डू वी विल वेट ओके, okay. सो so, अब हम देखेंगे इफ विद द सब्जेक्ट अगर सब्जेक्ट के साथ हमारा जो वर्ब है सब्जेक्ट के जस्ट बाद हमारा क्या आएगा वर्ब आएगा अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है वर्ब आती है तो अगर वर्ब में एस है या ई एस लगा है ठीक तो हम किस से बनाएंगे सेंटेंस अगर एस या फिर ईस yes है तो सेंटेंस बनेगा हमारा डज से किससे बनेगा से एंड इफ वर्ब हमारी वैसी की वैसी है वर्ब में ना एस लगा है ना ई एस लगा है ठीक है इट मीन्स वो प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम उसको किससे बनाएंगे डू से करेक्ट एंड इफ द वर्ब इज़ इन सेकेंड फॉर्म मतलब वर्ब अगर हमारी सेकेंड फॉर्म में सब्जेक्ट के बाद जस्ट वर्ब आएगी ठीक है ना तब के लिए है ये इफ द वर्ब इज इन सेकेंड फॉर्म वर्ब सेकेंड फॉर्म में है मीन्स ईट एट एट आ रहा है ठीक है सिंग का सैंग आ रहा है मीन्स वर्ब हमारी क्या है सेकेंड फॉर्म में है तो अगर वर्ब हमारी सेकेंड फॉर्म में होगी ठीक सेकेंड में होगी तो हम इसको किससे बनाएंगे डिड से किससे बनाएंगे डिड से सो जस्ट राइट डाउन दीज वॉट आई हैव रिटन इन अ रेड जो मैंने रेड से लिखा हुआ है इसको आप आप अपने कॉपी में लिख लीजिए कॉपी में ये अपने इसी बुक में एक जगह पे लिख लीजिए ठीक है ताकि आपको याद रहे नाउ सी द एग्जाम्पल ऑफ दिस ही गोज़ फॉर अ वॉक एवरी डे वो हर दिन सैर पे जाता है अब देखो क्या है ही इज अ सब्जेक्ट एंड देयर इज़ नो हेल्पिंग वर्ब सो व्हाट वी हैव टू सी वी हैव टू सी द वर्ब हाउ द वर्ब इज रिटन वर्ब इज गोज जाना ठीक है तो मेन वर्ब हमारा क्या है गोज़ तो गोज़ में क्या है गो में ई एस लगा हुआ है है ना क्योंकि ही इज अ सिंगुलर ही मेरा सिंगुलर है इसमें इसलिए गोज़ में, गोज में यहाँ पे ई एस लगा हुआ है सो हाउ वी विल मेक अ वेक इंटोगेटिव सेंटेंस विथ डज़ ठीक है सी हाउ वी विल मेक डज़ ही गो फॉर अ वॉक एवरी डे अब ये चीज़ बहुत ध्यान रखिएगा अभी तक हम क्या करते थे कि पूरा का पूरा सेंटेंस वैसे का वैसा उतार देते थे अभी भी हम सेंटेंस को वैसे का वैसा उतारेंगे लेकिन वर्ब में यहाँ पे चेंज करेंगे ठीक है क्योंकि हमने गोज़ देख कर के ही समझा है कि ये डस से बनेगा तो हम यहाँ पे गोज़ को हमेशा फर्स्ट फॉर्म में रखेंगे ठीक है हमेशा जो मेन वर्ब होगी मेन तो काम जाना है और वो सिंगुलर था इसलिए गोज़ हो गया था ठीक है गो का गोज़ बना था तो गो ही हम रखेंगे यहाँ पर लाइक डज ही गो फॉर अ वॉक एवरी डे ठीक न सेकेंड रोहिणी एंड शान सिंह वेल रोहिणी और शान जो है बहुत अच्छा गाते हैं ठीक रोहिणी एंड शान आर टू परसन सो इट इज़ प्लूरल आपको बताया गया है ना जहाँ भी एक से ज्यादा होते हैं सब्जेक्ट वहाँ पे वो प्लुरल हो जाता है तो प्लुरल के साथ हम एस या ई एस नहीं लगाते ना तो हम कौन सा चीज कौन सा वर्ब हो गया यहाँ पे ये वाला है, है ना वर्ब में हमारे कुछ भी नहीं लगा है सो so, हम किससे इंट्रोगव uh, बनाएंगे विथ विच वर्ड वी विल मेक फ्रॉम दिस वर्ड डू ठीक वी विल मेक विद डू सो डू रोहिणी एंड शान सिंह वेल अब इसमें सिंग तो वैसे का वैसा था फर्स्ट फॉर्म में था तो हमें इसमें चेंज करने की जरूरत ही नहीं है बस हमें चेंज कहाँ करना होगा वर्ब में जहाँ पे ई एस लगा होगा और जहाँ पे सेकेंड फॉर्म में होगा वहाँ पे वर्ब को हम फर्स्ट फॉर्म में लिख देंगे ठीक नाउ द सेकेंड रेनू एट थ्री एक्स फॉर ब्रेकफास्ट रेनू ने कितने एग खाए ब्रेकफास्ट में थ्री एक्स खाए मतलब वो काम पहले कर चुकी है अब देखो यहाँ ईट भी नहीं है फर्स्ट फॉर्म भी नहीं है वर्ब का वर्ब में एस या ई एस भी नहीं लगा हुआ है तो यहाँ पे क्या है वर्ब की सेकेंड फॉर्म है दिस इज वर्ब सेकेंड फॉर्म एट इज वर्ब सेकेंड फॉर्म ठीक दिस इज अ सेकेंड फॉर्म ऑफ ईच तो अब हमारा कौन सा रूल रूल यहाँ पे लगेगा वर्ब प्लस सेकेंड फॉर्म के साथ हम क्या करते हैं वी विल स्टार्ट अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस विथ अ डिड अब हम क्या करेंगे इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस किससे स्टार्ट करेंगे डिड से सी व्हाट इज रिटन डिड रेनू ईट थ्री एक्स फॉर ब्रेकफास्ट क्या रेनू ने थ्री एक्स खाए थे ब्रेकफास्ट में ठीक अब हमने क्या किया है डिड ठीक डिड प्लस सब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या है मेरा सब्जेक्ट इज रेनू देन अब हमने एट को क्या कर दिया मैंने क्या बताया था वर्ब चाहे किसी भी पोजिशन में हो चाहे एस हो या फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो हम जब इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में लिख देते हैं ठीक है हमेशा वर्ब को हम फर्स्ट फॉर्म में लिख देंगे ठीक है तो यहाँ पे एट का ईट हो गया नाउ द सेकेंड एग्जांपल रोहिणी सेंग वेल अब दिस इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ सिंग रोहिणी सेंग वेल ठीक अब यहाँ पर हम क्या करेंगे सेंग यह तो वर्क की सेकेंड फॉर्म है ना तो वी विल स्टार्ट विथ डिड डिड रोहिनी सिंग वेल ठीक है आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा नॉट द एक्सरसाइज अब आपकी क्या है एक्सरसाइज में अब आपको क्या करना है यू हैव टू टेक द करेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ दिसमेंट ठीक है इस स्टेटमेंट के आपको नो वॉट यू विल डू सी सॉरी हाँ सी धोनी इज जॉन्स ब्रदर धोनी जो है वो जॉन का ब्रदर है अब पहले हम क्या ढूंढेंगे वी हैव टू सर्च और हेल्पिंग वर्ब तो वॉट इज़ अ हेल्पिंग वर्ब हेयर हेयर इज 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 इज़ अ हेल्पिंग वर्ब ठीक है सो इज हमने ढूंढ लिया इट मीन्स इसी से बनेगा तो जस्ट इट आउट ही यहाँ पे आपको करेक्ट कर देना है वेट हाँ सो वॉट यू हैव टू डू यू हैव टू करेक्ट दिस ठीक है सो दीस फोर आर योर होमवर्क ये आपके चारों जो हैं ये आपके होमवर्क रहेंगे डो इट ठीक है नाउ वी विल लर्न अबाउट क्वेश्चन टैग वॉट आर द क्वेश्चन टैक्स सी और जस्ट टू आई विल टेल यू क्वेश्चन टैक्स इन अ नेक्स्ट वीडियो ठीक है थैंक यू डू द होमवर्क